Well, hi friends, how are you all? मैं ठीक हूँ. काफी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ. सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है. पिछले कुछ दिनों में मुझे टाइम नहीं था आपसे बात करने का या फिर कुछ अच्छे वीडियो बनाने का. सो आज चलते चलते ही सही मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए. सो वीडियो ऐसा कि आज सुबह मैंने कोई एक बहुत अच्छी छोटी सी एक कहानी देखी, बट कहानी थी रियलिस्टिक कहानी थी जो मैंने देखी, जिसमें कि मैंने देखा कि एक बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा तरले कर रहा था डॉक्टर के कि डॉक्टर साहब मेरे फादर को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो. अब जब वो डॉक्टर बोलता है कि भाई अगर आपके फादर को बचाना है तो आपको ऑपरेट कराना होगा, उनका ऑपरेशन कराना होगा, और ऑपरेशन के लिए आपको जो है 85,000 रुपीस लगेंगे, यानी 85,000 रुपए आपको इस के लिए लगेंगे. तो वो बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं होते हैं. तो वो बोलता है कैसे भी करके मेरे पिताजी को बचा लीजिए, आपका जो भी बिल है या जो भी पैसा है मैं कैसे भी मेहनत मुशक्कत करके मैं इसको वापस आपको लौटा दूंगा. पर आपको पता है कि डॉक्टर कितने प्रोफेशनल हैं आजकल, तो वो तो बोलते हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, आप जब हमें पैसे जमा कराएंगे तो हम उनका इलाज शुरू कर देंगे. तो जी उनके साथ में जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक बंदा वहां पे खड़ा सुन रहा होता है. तो वो बंदा बोलता है कि इनके फादर को कितने पैसों की जरूरत है ऑपरेशन के लिए, तो वो बताते हैं कि 85,000 की जरूरत है डॉक्टर जो उनको बताता है. तो वो बोलते हैं कि ठीक है एक काम कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए, जितना भी खर्चा होगा वो मैं बेयर करूंगा या मैं दूंगा उनको पैसे, या आपको जो भी लगता है वो खर्चा मैं दूंगा. तो वो बंदा बहुत खुश होता है, वो हाथ जोड़ता है कि भाई आप इतना कर रहे हैं पर आप इतना क्यों कर रहे हैं. बोलते देखो भाई मैं आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूं, मेरी मरती हुई माँ ने मुझे एक बार बोला था कि जरूर किसी ना किसी की हेल्प करते रहना ताकि जिंदगी में तुम्हारी हेल्प कोई करे. तो मैंने तो सिर्फ अपना ये फर्ज पूरा किया है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं किसी के काम आ सक रहा हूँ. और बस यही मैंने सीखा था, वो भी तब सीखा था जब मैं बचपन में बीमार हुआ था और मेरी माँ मुझे लेके डॉक्टर के पास गई और यही सिचुएशन पैदा हुई उस टाइम पे. और उस टाइम मेरी माँ के पास पैसे नहीं, तो किसी एक बंदे ने हेल्प किया और आज मैं इस सेवा करने लायक बना या फिर मैं उस लायक बन सका कि मैं किसी के काम आ सकूं. तो मैं बहुत थैंकफुल हूं उस आदमी का जिस आदमी ने उस टाइम पे मेरी मदद की थी. तो वो बंदा बहुत प्रभावित होता है और जाता है थैंक्स करता हुआ उनका, निकल जाता है वहां से. उनके पिताजी जो थे वो कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं और उनके पिताजी उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ और ऐसा कितने पैसे तेरे पास कहां से आए बेटे कि जो तूने मेरा इलाज करा दिया, मर जाने दिया होता मुझे, आज तो कोई कर्जा लिया होगा तो कोई कर्जे में तो नहीं फंसता कम से कम. उसके पिताजी को वो बोलता है कि नहीं पिताजी मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया, लेकिन एक कोई नेक आदमी ने मेरी हेल्प की और वो बोलता कि इनके जो भी खर्चा है आपके जो फादर साहब बीमार पड़े हैं उनका खर्चा मैं दूंगा और ये मैं पुण्य का काम करना चाहता हूँ. तो वो बहुत प्रभावित होते, बोले ऐसा कौन था जिसने तेरी हेल्प की. बोले वो बोल रहा था कि बचपन में किसी ने मेरी हेल्प की थी, तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं भी किसी के काम आ जाऊं और मैं भी किसी की हेल्प कर सकूं. तो उसने इस तरीके से अपने मदद की और उसने बताया कि मेरे को बचपन में जैसे मैं बीमार पड़ा तो मेरी माँ मुझे लेके आई, तो किसी एक व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की उस टाइम पे जो उन्होंने मदद की उसके कारण आज मैं आपके सामने इस लायक हो सका कि मैं किसी की मदद कर सकूं. तो बहुत प्रभावित होते हैं वो और वो कहते हैं कि वो उस टाइम तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो अंदर के अंदर वो अपने आप को याद करते हैं कि वो मदद उन्हीं ने की थी किसी की. जी हाँ, उस व्यक्ति के फादर ने ही वो मदद उस बंदी की थी एक समय पे, तो वो मदद लौट के वापस आई. इसे बोलते हैं कर्मा. जी हाँ दोस्तों, कर्मा यही है. और आप जो यहाँ करेंगे इस दुनिया में जो आप करेंगे और उसका फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है. तो कोशिश करिए कि अच्छे काम करें
और अच्छे काम लौट के आपको जरूर वापस फल देते हैं, जैसे वृक्ष बड़ा होने के बाद फल देता है। तो गाइज इससे हमें यही मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम लोगों की मदद करें जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, रदर देन कि हम फालतू की चीज़ों में हम उलझे रहें, तो हम लोगों की मदद करें और वो मदद लौट के जरूर आएगी, याद रखिए। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए खुशवंत सिंह। लव यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? मैं फाइन, आई एम ठीक हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू?